हमने बहुत सारी वीडियो शूट की है, बहुत अलग अलग राज्यों की वीडियो शूट की है, हर जगह एक चीज़ कॉमन होती है, वहाँ की एक थाली होती है। इस बात का मलाल हमेशा रहता था कि बिहार के होने के बाद भी हमारे बिहार की थाली क्यों नहीं मिलती है, रेस्टोरेंट्स में ऐसा प्रबंध क्यों नहीं होता कि एक बिहारी थाली बनाई जाए जहाँ पर कि बिहार के पारंपरिक खाने जैसे पिट्ठा भी है, दलपिट्ठी भी है, दाल की पूड़ी भी है, लिट्टी चोखा भी है, ये सब कुछ हो। तो आज जिस जगह पर पहुँचे हैं इसका नाम है ठेठ बिहारी छेदी भाई रेस्टोरेंट। इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है, ये एक बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है कि हमारे बिहार की जो पारंपरिक खाने की चीज़ें हैं उनको रेस्टोरेंट में लेके आए हैं। चलिए आपको लेके चलते हैं ठेठ बिहारी में और यहाँ की जो बेहतरीन चीज़ें वो दिखाते हैं। वैसे मेरा नाम है रॉबिन, आप देख रहे हैं फूडी रॉबिन। तो आइए आपको लोकेशन एक बार समझाते हैं। ये बोरिंग रोड का इलाका है, मेरे इस तरफ जो आप देख रहे हैं बोरिंग रोड एएन कॉलेज, ठीक है। और एएन कॉलेज के जब आप आगे बढ़िएगा यहाँ पे पानी टंकी मोड़ बोलते हैं, इस तरफ जाएंगे तो पानी टंकी आपको मिल जाएगा। इस चौराहे से थोड़ा आगे यानी कुर्जी जो गोलंबर जा रहा है रास्ता, यानी पाटलिपुत्रा गोलंबर जो रास्ता जाता है, हमें उसी तरफ आगे बढ़ना है। और यहीं थोड़ा आगे बढ़ने के बाद आपको मिलेगा ये बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांच, ठीक है। इससे बस नेक्स्ट बिल्डिंग और बस थोड़ा आगे चलने के बाद आपको मिल जाएगा ठेठ बिहारी छेदी भाई रेस्टोरेंट। और चलते हैं यहाँ पर इसके फर्स्ट फ्लोर पे। तो अभी हम लोग आ गए हैं जी फर्स्ट फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर पे ही आपको रेस्टोरेंट मिलता है। इस तरफ आते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। तो ये एक पहला सेक्शन है जिसमें कि बड़ी खूबसूरत आपको पेंटिंग्स दिख रही हैं। बैठने की जगह है, फैमिली के साथ आप आ रहे हैं तो यहाँ पर आराम से बैठिए। इसके बाद आगे आते हैं, आगे यहाँ गलियारे में आएंगे, थोड़ा आ जाइए और ये आपको मिलेगा सेकंड स्पेस, ठीक है, जहाँ पर बच्चों का थीम मतलब पार्टी वाला थीम पूरा बनाया गया है। पेंटिंग सब डोरेमोन और ये सब की है। यहाँ पर भी बैठने के लिए आपके 8 से 10 लोगों की जगह यहाँ बनी हुई है। आइए बाहर आते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं थोड़ी बड़े स्पेस की तरफ, जहाँ पर कि अगर आपके पास बड़ा ग्रुप है या छोटा मोटा पार्टी और करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ देख सकते हैं। ये एक इनका पूरा एरिया है जो बड़ा सा एरिया है, आप इस तरफ देख सकते हैं सारा कुछ। यहाँ पर बैठने की जगह एक्स्ट्रा उस दूसरी तरफ में बैठने की व्यवस्था की जा सकती है। यहाँ आएंगे, ये बड़ा सही लगा मुझे ये सेगमेंट। यहाँ क्या कि पालथी मार के आप आराम से नीचे बैठिए और यहाँ पर भी अपने खाने का मजा लीजिए। 4 लोग यहाँ पर एक साथ बैठ सकते हैं। और ये देखिए, इसके बाद थोड़ा और आते हैं आगे और इधर आइए। यहाँ पर ये एक छोटा स्पेस यहाँ भी मिला हुआ है जिसको आप इसी तरह से भी अगर चाहें तो, अगर आप केक कटिंग ये सब का स्पेस बनाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे अच्छी तरह से हो जाएगा सब कुछ। तो ओवरऑल लुक एंड फील आपने समझ लिया। अब थोड़ी बहुत आपको मेन्यू दिखाते हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, और आपको लेके चलते हैं मेन्यू दिखाने के बाद कुछ चीज़ें उसमें से ट्राई करेंगे और अपनी टेबल में मंगाएंगे और फिर उनका क्या जायका है वो आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बनेगा। और यहाँ हमारे सामने है इनका एक खूबसूरत सा मेन्यू जिसमें आप देख सकते हैं कि बिहार के जो इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं और साथ में हमारा जो एक बहुत ही बड़ा त्यौहार है छठ पूजा, वो भी डिपिक्ट किया गया, उसे भी दिखाया गया है। यहाँ मेन्यू में आने से पहले मैं एक बात आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि देखिए, पंजाबी थाली, जयपुर थाली, बंगाली थाली, ऐसी थालियाँ हमने बहुत प्रमोट की है। इस बार मौका मिला है हमारे बिहार की थाली को प्रमोट करने का, तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जितने ज़्यादा लोग हमारे इस बिहारी कुजीन को जान पाएँ। क्योंकि आज तक ये सारी चीज़ें ना कहीं ना कहीं हमारे घरों में ही थी, हमने कभी इसे इतना आगे किसी प्लेटफॉर्म पे रेस्टोरेंट में लेके नहीं आए हम लोग कभी। सो दैट जो बाकी राज्यों की थाली है उनकी तरह हमारी थाली भी एक सिग्निफिकेंट जगह, एक मुकाम रेस्टोरेंट्स के मेन्यू में पा सके। तो फिलहाल हम लोग मेन्यू पे बात करते हैं। तो आइए, मेरे पास मैं आपको मेन्यू दिखाता हूँ जो कि बड़ा ही कलरफुल, बड़ा ही शानदार है। आप जैसे ही मेन्यू खोलेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो डिपिक्शन है ये मुझे बहुत खूबसूरत लगा, जिसमें कि यहाँ मालपुआ है, पिट्ठा है, पिट्ठा जो कि हमारे घरों में बनता है, अलग अलग फ्लेवर्स में पिट्ठा बनता है, ये पनीर की सब्ज़ी, सत्तू का शरबत मतलब या फिर जो सत्तू बोलते हैं हम लोग पीने के लिए, तिकोना पराठा जो बिहार के हर घर में मिलेगा,
ये है जी लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा का तो सब लोग जानते हैं, और ये पूरा वेज मेन्यू, मतलब ये जगह प्योर वेज है, आपको कोई नॉन वेज यहाँ पे नहीं मिलता। इनफैक्ट सावन में तो अब बिना लहसुन प्याज का भी बनाने का ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं। एनीवेज मेन्यू पे आते हैं, तो पिट्ठा में देखिए चना दाल का पिट्ठा जो कि ट्रेडिशनल होता है, ओरिजिनल है वो है, प्लस खोआ का है, आलू का है, तीसी का पिट्ठा। अब तीसी का पिट्ठा क्या है कि सर्दियों में बड़ा मज़ा आता है उसको खाने में, चावल के आटे के साथ बनाया जाता है, अंदर में तीसी भरी जाती है, बहुत ही बढ़िया लगता है, उबाल के बनाया जाता है, हेल्दी भी होता है, टेस्टी भी होता है। पोस्ता दाना का पिट्ठा, इस तरफ आएंगे तो मालपुआ है, लिट्टी चोखा है, आपको दाल पिट्ठी। अब दाल पिट्ठी कई जगह दाल के दूल्हे बोला जाता था इसके, और इसके साथ ना मेरी एक मतलब मेमोरी है, मैं आपको भी बताता हूँ। बचपन में चावल दाल या दाल और रोटी नहीं खाना है तो मम्मी वैसे आटे से अलग अलग शेप्स बनाती थी, जैसे चिड़िया बना दिया, कुछ ऐसा बना के उसको दाल में प्रेशर कुकर में पकाने के बाद वो उस तरह से खाते थे। तो वो एक मेमोरी है, मतलब ये खाना कहीं ना कहीं आपको एक याद भी दिलाएगा आपके बचपन में जो चीज़ें आपने कभी एक्सपीरियंस की होंगी, घरों में जो बनता होगा। एक डिश है, मैं आप में से बहुत लोगों को शायद पता होगा, जिनको पता है प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा, एक डिश होती थी ढकनेसर। तो आप में से कितने लोगों ने ढकनेसर का नाम सुना है और वो क्या होता है ये ज़रा मुझे आप कमेंट में बताइएगा। और यहाँ पर है जी कचरी पकौड़ा जो कि स्ट्रीट का आइटम है, लेकिन यहाँ पर इसे एकदम शुद्ध चने की दाल में और बाकी सरसों के तेल में बनाया जाता है। खिचड़ी भी अवेलेबल है। अब खिचड़ी क्या है कि जनरली खिचड़ी हर जगह नहीं मिलती, यहाँ पे आपको तीन तरह की खिचड़ी मिल रही है, मीठी खिचड़ी है, वेज मसाला खिचड़ी है, दाल की खिचड़ी है। थर्सडे को और संडे को चूंकि बिहार में हमारे यहाँ खिचड़ी अवॉइड करते हैं तो इसलिए उस दिन नहीं बनता, अगर आप ऑर्डर देते हैं तो उस दिन वो भी बन जाएगा। बाकी उसके बाद जो इंडियन मेन्यू है वो सारा है ही यहाँ पे। स्टार्टर्स में आपको फ्रेंच फ्राइज, हरा भरा कबाब, पनीर, ये सब जो एक नॉर्मल रेस्टोरेंट में होता है वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा दालों के मामले में। देखिए दाल मखनी, चना दाल फ्राइड, अरहर की दाल, ये सब भी हम लोग खाते हैं। और ये आपका सारा वेज का अलग अलग सेक्शन हो गया। मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ पराठे में, जो कि बड़ा यूनिक है। तिकोना पराठा तो है ही, लच्छा पराठा मिल रहे हैं, बीट रूट का पराठा ये बहुत अलग होता है। साथ में ये लाइन में आएंगे आलू और ये सब आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ है ये जी सत्तू का पराठा। और सत्तू और बिहार, इनका एक अलग ही संबंध है। कहीं कोई भी बिहार का आदमी कहीं बाहर जाता है तो सत्तू ज़रूर कोशिश करता है कि ले जाए। अब सत्तू का पराठा एक बहुत अच्छी डेलिकेसी है, मतलब देखिए मैं बोल रहा हूँ मेरे मुँह में पानी आ रहा है। सत्तू का पराठा हमारे यहाँ घरों में बनता है, बड़ा स्वादिष्ट होता है, बहुत ज़बरदस्त बनता है, तो वो सत्तू का पराठा भी आप यहाँ खा सकते हैं। उसके ठीक नीचे है ये दाल पूड़ी। अब ये दाल पूड़ी ना खास ओकेजन पे भी बनाई जाती है, जैसे अदरा अभी पीछे बीता तो अदरा में दाल पूड़ी ज़रूर बनती है, तो वो दाल पूड़ी भी आपको यहाँ इस रेस्टोरेंट में मिल जाएंगी। रोटी है, यहाँ पे आएंगे तो कई सारे सैलड है, पापड़ है, ये महाराष्ट्रियन एक कोशंबीर करके एक सैलड आता है, ये भी बड़ा बढ़िया है। साथ में डेजर्ट्स हैं, डेजर्ट्स में मेरा थोड़ा नज़र इसके ऊपर भी गया था, स्वीट समोसा, ये समोसा होगा चंद्रकला की तरह होता है समोसा। बाकी टी है, कॉफ़ी है, तो ये सारा बहुत ही वाइड और एक बढ़िया मेन्यू है। कोशिश की है कि जो बिहार के मेन आइटम्स हैं उनको समेट के यहाँ लाया जाए। वैसे तो आइटम्स इतने सारे बनते हैं हमारे घरों में कि अगर उन सबको लेके आया जाए तो शायद मेन्यू में जगह कम पड़ जाए, इतनी सारी चीज़ें होती है। आप सोचो, मैं एक बात बता दूँ, गुलगुला एक होता है आपके यहाँ भी बनता होगा, चावल ये आटे से बनता है, गेहूँ के आटे से। फिर हमारे यहाँ ठेकुआ है, पिट्ठा है, अनरसा है, मिठाइयों में कई सारी चीज़ें, तो बहुत कुछ है, वैरायटी बहुत है, वाइड है। एक पहला स्टेप है बिहारी कुजीन को सामने लाने का, और होप और लोग भी इसको देख के प्रेरणा लेंगे और इस तरह की चीज़ों को आगे लेके आएंगे। तो हम लोग अभी इनमें से जो बिहार की ऑथेंटिक चीज़ें ना उनको मंगवाते हैं और उनका एक एक करके थोड़ा सा लुक एंड फील और टेस्ट कैसा है वो आपको बताते हैं। तो भाई अभी हमारे साथ यहाँ के ओनर साहब बैठे हैं, जिनका कि ये बड़ा ही खूबसूरत ये कॉन्सेप्ट, ये सारा थिंकिंग ब्रेन चाइल्ड इन्हीं का है, अमरनाथ जी इनका नाम हुआ। और स्वागत है पहले तो आपका हमारे चैनल का। धन्यवाद। थोड़ा सा बताइए जगह के बारे में और नाम और ये सब चीज़ें कैसे क्या हुआ ये थोड़ा बताइए। अभी जंक फूड के ज़माने में मोमोज कहाँ से चला कहाँ आ गया, पिज्ज़ा कहाँ से चला कहाँ चलाया गया, हम लोग का जो बेसिक हेल्दी फूड था उसी को हम लोग भूलते जा रहे हैं जी। और जब बिहारी हो करके उसको भूलेंगे तो और वाला तो और कैसे और याद रखेगा उसको। एकदम बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही। जैसे कि हर गांव में, हर घर में बिहार में पहले, आज से ज्यादा पुराना नहीं, 10 साल 15 साल पहले चावल का पिट्ठा बनता था। सर्दियों में ज्यादा बनता था।
और बोला जाता है कि हिंदी मास के पौष मास में निश्चित वो लोग निश्चित खाना होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कहीं से भी कोई अनहेल्दी उसमें कुछ नहीं रहता है, कोई केमिकल। इसलिए कि स्टीम पे बनता है, चावल में पानी में उसका पकाया जाता है और कहीं से भी, लेकिन आज के डेट में उसको भूल जा रहे हैं, भूल गया कुछ। अगर थोड़ा सा हल्का भूख लगा, चलो मोमोज खा लो, पिज्जा खा लो, जबकि अनहेल्दी है। मैदा पूरा मैदा 100% फायदा है। छोटे बच्चों को भी उसी का आदत लगाते हैं, जो बच्चे को सिखाएंगे वो बच्चा देखेगा बड़ा होकर के वही मारेगा, वही करेगा। तो हमारा सबसे पहले था कि बिहार के फूड को मतलब कि पब्लिक के सामने में लाएं, अच्छे से लाएं। हमारा मेन फोकस ये है कि हमारे यहाँ का खाना 365 दिन खाएगा, बीमार नहीं पड़ेगा, ये गारंटी है। अरे वाह। और हम ये लोगों को बताना चाहते हैं कि अगर घर के गार्जियन क्या कहते हैं, बच्चों को हिदायत देते हैं कि बाहर का खाना नहीं खाओ, बीमार पड़ जाओगे, लेकिन हम गार्जियन के दिमाग में ये घुसा देना चाहते हैं कि वो अगर बच्चा बाहर खा रहा है तो बोलेगा कि छेदी भाई के यहाँ खाओ, दूसरी जगह नहीं जाओ। सीधा से गार्जियन भी एकदम संतुष्ट है कि वहां जा रहा है तो लंफन चीज खाना नहीं खाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा बात आ गया कचड़ी। कचड़ी मार्केट में बहुत जगह मिलता है, ठेले पे, पकौड़े पे। ये नहीं हम कह रहे हैं कि वो खराब है, हम बढ़िया है, लेकिन 99% हम कर सकते हैं कि मार्केट में जितना कचड़ी मिलता है, खेसारी दाल का है जो कि हेल्थ मतलब कि पेट के लिए सही नहीं, गवर्नमेंट के द्वारा वो बैन है, वो जानवर के खाने के लिए उसको उसके खेती की जाती है, ह्यूमन बॉडी शरीर इंसान के लिए वो नहीं हो। कचड़ी खेसारी दाल का बनता है और उसमें 99% लोग पाम ऑयल में यूज करते हैं। पाम ऑयल किसी भी तरह से एक बार जल जाने के बाद दोबारा अगर जलेगा तो अनहेल्दी ही है। बहुत बहुत ऐसे भी वो अच्छा हेल्दी नहीं होता पाम ऑयल। हमारे यहाँ जो कचड़ी बनता है उसमें 100% चने दाल का इस्तेमाल किया गया, 100% सरसों तेल का इस्तेमाल किया है। और अभी तो महंगाई के जमाने में देख रहे, पोस्ता दाना बहुत महंगा हो गया है। हमारे कचड़ी में जवाइन मंगला पोस्ता दाना का फ्लेवर एकदम अनबीटेबल होगा कि आदमी संतुष्ट हो जाएगा। मार्केट में अभी सिर्फ बिहारी फूड के नाम पे सिर्फ एक ही है मार्केट में फैला हुआ, वो लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा के अलावा हमारे पास बहुत चीज है लोगों को खिलाने के लिए। एकदम सही, लेकिन हमेशा होती है ये बात। मेरा भी बिहारी मतलब बिहार के बाहर जो दोस्त लोग हैं उनका ये कहना है कि लिट्टी चोखा खाएगा। यार लिट्टी चोखा छोड़ के भी बहुत चीजें हैं जो आप बिहार के कुजीन में उसको टेस्ट करिए और बहुत मजेदार लगता है, बहुत टेस्टी होता है। लेकिन क्या है बेटा, ना कि वो रेस्टोरेंट में नहीं मिलता, वो सिर्फ घरों तक ही सीमित है। तो ये आपका एक बड़ा सर आशीर्वाद से हम देने की कोशिश किए हैं और जनता कितना उसको एक्सेप्ट करती है वो जनता जनार्दन पर निर्भर करता है। बिल्कुल, ये एक्चुअली हमारे बिहार का ही, आप मैं कहूंगा कि पहला एक शुरुआत हो रहा है कि हमारी थाली बनेगी। बिहार की थाली, हर स्टेट की थाली है लेकिन बिहार की थाली नहीं है। और बिहार की चीजें इतनी जबरदस्त है खाने में और इतना वैरायटी है कि शायद वो एक थाली में समेटा भी नहीं जा सके, इतना कुछ है हमारे यहाँ। जो आप खिलाएंगे बच्चों को वही वो समझेंगे एकदम निश्चित। तो बहुत सारे नए बच्चे होंगे जिनको शायद पिट्ठा और ये सब का पता नहीं होगा, क्योंकि दादी यहाँ रहती नहीं होगी या नानी नहीं होगी, वो बनाती नहीं होगी। तो आप उनको भी लेके आइए, उनको दिखाइए कि हमारे कुजीन के अंदर क्या कुछ चीजें थी। घर में किसी का बर्थडे आता है, किसी का मैरिज एनिवर्सरी आता है, कुछ भी कोई ना कोई प्रोग्राम, अगर 4-5 आदमी का फैमिली है तो साल में 3-4 प्रोग्राम तो निकल ही जाता है। बिल्कुल। और पूरे पटना में नहीं, जहाँ तक हमने देखा है या हमारे खोलने से पहले हम भी कहीं ना कहीं तो जाते ही थे, बिल्कुल जाते थे। तो कुछ चार्ज करता है, मतलब थोड़ा सा बर्थडे के लिए 2,000-3,000-4,000 रुपया वो अपना सेटअप के लिए 4,000-3,000 चार्ज करता है। हमारे यहाँ बिल्कुल अभी फ्री दे रहे हैं। अच्छा, उसका कोई चार्ज नहीं लेंगे, हॉल वगैरह का ये सब कुछ नहीं है। हम उम्मीद करते हैं 4,000-5,000 रुपए में 10-12 आदमी आप एकदम मस्त होकर के हेल्दी फूड खा करके एंजॉय करते हुए घर जा सकते हैं। कोई एनिवर्सल एक पैसे का भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो ये सारी चीजें अच्छी लगी हमें, इनकी मतलब आइडिया थिंकिंग और प्रेजेंटेशन वो सब बेहतरीन है साहब। अब आते हैं जो असली मुद्दा है, वो है खाना। खाने पे चलते हैं, अब हम आपको खिलाते हैं। आप अपना, आप तो इस फील्ड के मतलब के कलाकार हैं, अब और खा करके अगर आप मतलब कि अच्छा कहिएगा तो ही अच्छा होगा, बाकी तो पहले आप टेस्ट नहीं कीजिएगा तो अपने व्यूअर को तो नहीं बता पाइएगा। और मैं एकदम जेन्युइन जो रिव्यू होगा ना मेरा, वही जी 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 जी। हम भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जो जेन्युइन हो, अगर जिसमें थोड़ा सा भी कमी निकले वो हमको बेशक कहिए कि उसमें सुधार के हमको गुंजाइश रहे, कि कस्टमर तक जब वो पैसा पे करता है तो उसके पास 100% परफेक्ट देने का कोशिश करेंगे। ठीक है, 100% जनता मार्क्स देगी, लेकिन कम से कम 95 पर पहुंच गया तो बहुत है हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो चले चलते हैं, अब खाना लगवाते हैं और वहाँ पर मिलते हैं फूड टेबल पे। थैंक यू सो मच। तो भाई देखिए, बातें बहुत सारी हो गई, अब लग गई है जबरदस्त सी भूख। तो हमने अपनी पूरी थाली सजवा ली है, आइए जरा आपको दिखाते हैं कि ये बिहारी थाली में हमारे पास है क्या क्या चीज़ें। तो सबसे पहले
तो यहाँ है जी मालपुआ। आह एकदम, मतलब सुन के ही ना आपके मुंह में पानी आ गया होगा पक्का। ये है हमारा बिहार का लिट्टी, और यहाँ पे दो तरह का चोखा, जिसमें की है ये आलू का चोखा और ये है जी बैंगन का चोखा। साथ में ये चटनी है जो सरसों की है, ठीक है, और ये हरी चटनी हो गई जो हम लोग अभी कचरी के साथ ट्राई करेंगे। कचरी ये आप देख सकते हैं, इसमें दाल से बनाया जाता है इसको, और पोस्ता दाना आपको साफ ऊपर में दिख रहा होगा। इसमें सरसों के तेल में फ्राई करते हैं इसको। ये है बीटरूट का पराठा यानी चुकंदर का पराठा, और ये हमारे हर घर में बनने वाला सत्तू का पराठा। सत्तू की फीलिंग देख रहे हैं आप, क्या बढ़िया दिख रहा है ना। मैंने थोड़ा सा सत्तू ट्राई भी किया था, मज़ेदार है साहब। ये है जी देखिए दाल की पूड़ी, जिसके अंदर दाल का स्टफिंग किया गया है। ये हमारे यहाँ मतलब खास ओकेजन अदरा ये सब में बनाया जाता है। इधर आएंगे मीठे में, और ये है पिट्ठा, जिसको कि दूध, खोए का पिट्ठा है, जिसको कि दूध में खोला खोला करके पकाया जाता है, और ये बड़ा शानदार होता है। इधर आएंगे, ये थोड़ा सा देखो लाइट में, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, बचपन में हमने बहुत खाया है। दलपिट्ठी बोलते हैं इसको। क्या करते थे ना कि आटा में, आटा का कुछ शेप्स बना के छोटा छोटा, और फिर दाल के साथ सीटी लगा के बॉयल करके मिलता था हम लोग खाने में। दाल और रोटी दोनों का मज़ा इसमें आ जाता था। नेक्स्ट जो चीज़ है ना, ये देखो बड़ी इंटरेस्टिंग है, खिचड़ी है। अच्छा, यहाँ पे खिचड़ी अलग अलग मिलेगी आपको, नमकीन खिचड़ी मिलेगी, ये मीठी खिचड़ी है जिसमें काजू है, किशमिश है, घी डाला गया है, ऊपर से थोड़ी सी चीनी डाली गई है। बड़ी बेहतरीन लगी थी साहब। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ना, ये घरों में बनता है, इसको बोलते हैं पिट्ठा। अब पिट्ठा क्या है कि ये चने के दाल में बनता है, और ये जो है ना चावल के आटे से ऊपर में लगाया जाता है, अंदर में चने की दाल है, इसको स्टीम करके पकाया जाता है, मतलब बॉयल करके, और स्टीम भी किया जाता है, दोनों हो सकता है। ये है फ्लैक्स सीड का, यानी कि अलसी का पिट्ठा, और ये सर्दियों में बहुत ज़बरदस्त होता है, बहुत फ़ायदा करता है, पौष्टिक है और शानदार है। कुछ इंडियन भी हमने लिया है, जैसे कि यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये है इनकी पनीर की सब्ज़ी, ठीक है, ये हो गया बढ़िया सा एकदम बिहारी स्टाइल में मसालेदार पनीर। और यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे है लच्छा पराठा जी। तो इंडियन में भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, हमने थोड़ा इंडियन वाला साइड किया है और बिहारी वाले को अपनी तरफ खींचा है। एक और जो चीज़ है वो है समोसा, और ये बड़ा यूनिक आइटम है। ये समोसा ऐसा वैसा नहीं है, ये खोआ भरा हुआ, मतलब इसके अंदर ये पूरा चाशनी वाशनी लगा हुआ, मीठा मिठाई है ये समोसा एक तरह से। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा मैं ये जो दलपिट्ठी है इसमें से ज़रा ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं। ये देखो, ये हो गया बढ़िया सा दलपिट्ठी, लहसुन वहसुन उसमें दिख रहा है अच्छे से। आइए ज़रा, हाँ हाँ हाँ, दाल, लहसुन का छौंक, और हल्का सा वो आटा, आटा आपको पता ही नहीं लगेगा, बहुत ही शानदार। मसूर की दाल है और मज़ेदार है, छौंक जो लगाया गया था इसके अंदर जीरा का, वो आपको बहुत ही ज़बरदस्त मिलेगा। ये थोड़ी सी मीठी खिचड़ी, काजू वाजू डाल के ज़रा इसको ट्राई करते हैं। बासमती चावल में इसको बनाया गया है, और जब ये सर्व कर रहे थे, जब इसका देखा हमने, तो खीर जैसा हल्का सा एक खुशबू आई थी, वो बासमती चावल की जो खुशबू थी। ओहो, बहुत हल्का मीठा, बहुत हल्का मीठा, हल्का तीखा, मीठा और तीखा दोनों का एक बढ़िया सा कॉम्बिनेशन। आपको थोड़ा सा खीर भी लगेगा, लेकिन जब तक आप समझेंगे कि खीर की तरफ पहुंच रहा है, तब तक ही वो मिर्ची की एक थोड़ी सी तीखापन आपको रोक लेगा वहाँ जाने तक। तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थर्सडे को, संडे को नहीं बनता, अगर पहले से ऑर्डर देते हैं तो बना भी दिया जाएगा, बट इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत डिफरेंट है। आज खिचड़ी में इनके पास अलग अलग वैरायटी है, नमकीन खिचड़ी बहुत सारी मिलेगी। नेक्स्ट आइटम हम लोग क्या ट्राई करें, पिट्ठा थोड़ा सा आपको दिखाते हैं, आइए ज़रा। तो ये तो आप ऐसा टेक्स्चर तो देख ही रहे हैं इसका, किस तरह का है ये पिट्ठा, ऐसा करके ये हमने लिया चने की दाल, उसमें सरसों तेल का एक ज़बरदस्त सा फ्लेवर, साथ में आपको हल्की सी मिर्ची, हल्का सा जीरा और नमक, बहुत ही प्लेन सटल, घर जैसा स्वाद। और जैसा भैया से बात हुई थी कि आप 300 दिन खा लीजिए, ठीक है, कुछ नहीं होगा, एकदम वही वाला चीज़, 300 दिन खाने वाला हिसाब के साथ। कचरी ट्राई करें थोड़ी सी, ये कचरी, और ये तो आपको सड़कों पर ही मिल जाएगी, लेकिन वहाँ क्या करते हैं, खेसारी के दाल में बनाते हैं, यहाँ पर चने के दाल में बनाते हैं। अंदर आप देखो पोस्ता दाना भी डाला गया, प्याज दिख रहा होगा आपको, हरा धनिया दिख रहा होगा, मिर्ची ये सब दिख रही होगी। थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, लहसुन की चटनी के साथ ऐसा लगाते हैं, और ये बताते हैं आपको। हाँ हाँ, तो हर चीज़ में देखिए सरसों का एक बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर, और झांस वाला सरसों है। ये चटनी भी जो है इसके अंदर सरसों, लहसुन,
और कुछ कुछ चीज़ें हैं बड़ी कॉम्प्लेक्स, नमक एक हाई नोट पे है, बहुत शानदार। तो अब क्या करते हैं ना, अब जो चीज़ें उनको थोड़ा सा प्लेट में निकालते हैं और फिर एक साथ सबको रिव्यू करते हैं। तो भाई ये एक अलग सी प्लेट में हमने निकाले क्योंकि सारा कुछ जूठा करना नहीं है और आपको पता है कि हम लोग जूठा खाना नहीं करते हैं, जो बच जाता है हमारे कैमरा के पीछे बहुत बलिष्ठ बलिष्ठ लोग हैं तो सब खा जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा ये लच्छा पराठा भी ले लेते हैं और ये आ गया जी। तो हमने लिट्टी ले लिया, अरे चोखा कैसे भूल सकते हैं, चोखा तो बहुत ज़रूरी है, लिट्टी को चोखा का साथ नहीं मिलेगा तो फिर नाराज़गी हो जाएगी लिट्टी की, ठीक है। आओ जी ज़रा सबसे पहले सत्तू का पराठा ट्राई करते हैं। सत्तू का पराठा इन्होंने जो फिलिंग की है सत्तू की वो बहुत शानदार लगी थी मुझे, ये पनीर की सब्ज़ी के साथ और एकदम मसालेदार सब्ज़ी है, देख रहे हो लटपट जिसको बोलते हैं ना हमारे यहाँ, एकदम लटपट है, मेरे मुँह में पानी आ रहा है। ये ट्राई करते हैं। अजवाइन मंगरेल का एक मेजर फ्लेवर आपको इसमें मिलेगा, सौंफ का एक बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर आपको इसमें मिलेगा, एकदम डिफरेंट है, मतलब आप जो रेस्टोरेंट में खाते होंगे उससे एकदम अलग टेस्ट है, एकदम अलग साहब, मज़ा आ गया यार, तीखा भी है, ज़बरदस्त है, पनीर की क्वालिटी अच्छी है, वो वाला नहीं है, वो स्टेशन वाला पनीर नहीं है कि एकदम चूहा और भुसभुस ऐसे करके हो गया टूट गया, बहुत बढ़िया, शुद्ध सरसों तेल में बनता है खाना यहाँ पे और रिफाइंड का यूज़ नहीं, घी और सरसों तेल। और एक चीज़ जो मुझे बड़ी अच्छी लगी थी कि आटे से बनता है, मैदे का इस्तेमाल नहीं होता है ऐसा, ठीक है ना। आइए ज़रा बातों बातों में हमने लिट्टी तोड़ ली है, लिट्टी की स्टफिंग आप देख लीजिए। देखिए अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं तो मैं हमेशा लिट्टी में एक बात बोलता हूँ कि लिट्टी का जो कवरिंग है वो बहुत मोटा नहीं होना चाहिए, पतला होना चाहिए जैसे कि यहाँ पर है, और लिट्टी के अंदर सत्तू का अच्छा से फिलिंग होना चाहिए क्योंकि भाई लिट्टी और सत्तू का एक मेल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सत्तू कम कर दिए आटा ज़्यादा कर दिए। तो ये आइए इसको तोड़ते हैं और एक बढ़िया सा बाइट लेके चोखा के साथ लगाते हैं। ये जी हमारा चोखा और ये सरसों की चटनी, बड़ी तीखी तेज तर्रार चटनी, तो ये तीखी तेज तर्रार चटनी के साथ लिट्टी। हाँ प्योर वेज खाना भी स्वादिष्ट होता है, मैं बार बार आपको कहता हूँ, अगर उसे बढ़िया से अच्छी तरह से बनाया जाए, अच्छे इंग्रीडियंट्स यूज़ किए जाए, मज़ा आ जाएगा साहब। और हम लोग इतनी जगह कवर करते हैं लेकिन बहुत कम जगह ऐसी होती हैं जहाँ मेरा सच में मतलब मन होता है कि मैं दोबारा तिबारा कई बार आऊँ और खाऊँ, उसमें से एक जगह ये है और आई हाईली रिकमेंड कि आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए इस खाने को, मज़ा आ जाएगा साहब, मेरा हाथ नहीं रुक रहा है। तो ऐसा करते हैं मैं इसको करता हूँ ख़त्म, थोड़ा सा लेकिन कुछ मीठा खाएंगे, उससे बिना नहीं करेंगे। और इस बढ़िया से पिट्ठा के बाइट के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। ओहो ओहो पूरा लाल यार, बहुत सही, खोए की क्वालिटी बढ़िया और एकदम मक्खन की तरह घुल गया, इतना ज़बरदस्त था। तो बस इस वीडियो को यहीं करते हैं, होप आपको वीडियो में मज़ा आया होगा, मुझे बहुत मज़ा आया। और ये एक ऐसी जगह है जो आपको छोड़नी नहीं चाहिए, आप इसे ट्राई किए बिना नहीं जा सकते, शानदार खाना, शानदार एम्बियंस, हर चीज़ प्रॉपर क्वालिटी का, बेस्ट जो इंग्रीडियंट्स होता है वो भी। तो बस इस वीडियो को यहीं करते हैं, मेरा नाम है रॉबिन, आप देख रहे हैं फूडी रॉबिन और होप आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा, मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि हमारे बिहार की एक जो शुरुआत हुई है, बिहार के डिशेस की एक थाली बनाने की उसकी शुरुआत हुई और मैं उसे कवर कर रहा हूँ, मेरे लिए एक बड़ी प्राउड वाली बात है। आप भी आइए और इसको सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चीज़ को पहुँचाइए, सो दैट वो भी इसका मज़ा ले सकें और हमारी बिहारी थाली भी एक जगह बनाए देश की बाकी थालियों के बीच में। तो इस वीडियो के साथ, इसी बात के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, अगले एपिसोड तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खाते रहिए जनाब।